हेलो एंड अ वेरी वेलकम टू शिक्षा सो अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टू वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो हर साल रिलीज होते हैं वो है आपका एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट तो इकोनॉमिक सर्वे और बजट काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके ऑल राउंड द ईयर एग्जाम्स के लिए एंड स्पेशली जो फेब uh, के बाद दो तीन महीने एग्जाम्स चलते हैं आपके अराउंड जून तक उनमें तो काफी सारे क्वेश्चन इनके अंदर से पूछे जाते हैं बट डेफिनेटली ऑलराउंड ईयर इसकी इम्पोर्टेंस रहती है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सो so यहाँ पर जो आइडिया है आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इच एंड एवरी पॉइंट एंड इकनोमिक सर्वे वॉट द आइडिया इज टू ब्रिंग ऑल द रेलिवेंट एमसी क्यूज तो जैसे बजट के अंदर से मैंने कुछ एमसी क्यूज निकाले अराउंड चालीस पचास एमसी क्यूज बजट में से बन जाएंगे ठीक है जितने भी बनेंगे एंड uh, uh, फिर इकोनॉमिक सर्वे के भी एम सी क्यूज हैं तो इट विल टेक समाइम इन सारे एम को आपके पास वीडियो फॉर्म में आने में बट आई गारंटी वंस दम सी क्यूज आर देयर यू विल नॉट हैव टू गो थ्रू द बजट और थ्रू द इकोनॉमिक सर्वे फॉर द क्वेश्चन जितने इस वीडियो के अंदर एम सी क्यूज हैं मोर सारे के सारे प्रॉबेबल एम सी क्यूज आपके यहाँ पर कवर अप हो जाएंगे एंड दिस विल बी फॉर बजट एंड इट विल बी पार्ट वन एंड स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए बात करूँ तो उनके लिए ये वाला वीडियो पार्ट वन वाला वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्रीकल्चर वाला जो सेगमेंट uh, है जो हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर जो बजट के अंदर थे वो इस पार्ट के अंदर कवर्ड है सो क्विकली स्टार्ट एंड अगेन हु ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्रीकल्चर एग्जाम्स लाइक बार्ड ग्रेड ए या आई बी पी एस एफ ओ दिस इज द कोर्स दैट यू हैव टू गो फॉर ऑफ इसके ऊपर चल रहा है लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको इसका मिल जाएगा चलिए लेट अस क्विकली स्टार्ट एंड दिस विल बी द द द फर्स्ट क्वेश्चन बजट बजट ऑफ ऑफ 2023-24 इज डैश ल सो बेसिकली अमृतकाल इज समथिंग रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री कि नेक्स्ट 25 फाइव ईयर के अंदर हमारी डेवलपमेंट किस तरीके से चलेगी तो बेसिकली uh, ये बिल्कुल स्टार्टिंग में जो uh, आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने स्पीच में बोला था कि ये अमृतकाल का इतना बजट है पहला दूसरा तीसरा चौथा ये बेसिकली आपके ऑप्शन बेसिक सा क्वेश्चन है और बहुत जनरल क्वेश्चन है बट हमें क्वेश्चन को इस तरीके से करना है कि हमारा पूरे का पूरा बजट एमसीक्यूज के उसके थ्रू ही कवर हो जाए जिससे आपके लिए रिविजन में भी इजी रहेगा एंड द राइट आंसर ओवर हेयर विल बी ऑप्शन ए इज द फर्स्ट बजट ऑफ अमृत काल ठीक है जो ये अमृत काल पीरियड है 2023 ट्वेंटी थ्री से शुरू हुआ है ओके एंड इट विल गो अप टू अपनी चलिए नेक्स्ट इज ंट uh, ईयर uh, का growth rate prediction क्या है इंडिया के लिए जैसे आप देखते हो कि एस्टिमेशन आते रहते हैं हर तरह के एस्टिमेशन आते हैं वर्ल्ड बैंक है, करता है और uh, बहुत सारी रेटिंग एजेंसीज करती है ठीक है तो सिमिलरली बजट के अंदर भी एक प्रिडिक्शन आता है कि जो ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री है इसमें क्या प्रिडिक्टेड uh, uh, जो रेट ऑफ ग्रोथ रहेगा इंडिया का वो क्या रहेगा सो so, बजट के अंदर कितना था 6.5, 6.9, 7, 7.3 पॉइंट ऑफ सेवन अबव ये क्वेश्चन जनरली आने वाले सिर्फ एक दो महीने में अगर कोई एग्जाम आपके हो रहे हैं जैसे बैंकिंग रिलेटेड तो उसके अंदर इंपॉर्टेंट रहता है एंड द राइट आंसर हेयर इज ऑप्शन सी सेवन तो सेवन का ग्रोथ प्रेडिक्शन जो है वो आपके बजट ने दिया है थर्ड थर्ड क्वेश्चन क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। था कि पर पर कैपिटा इनकम कितना है बजट। बजट ने जो किया बेसिकली कि इंडिया के कितना है, question, आप ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा Right 1.97 1.97 जो, जो बजट में हाईलाइट बेसिकली हुआ है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर पी विश्वकर्मा कौशल सम्मान PM विकास स्कीम बेसिकली ये प्रपोज की है बजट ने और ये जो पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान या पीएम विकास स्कीम है ये किसके वेलफेयर के लिए बेसिकली ये स्कीम को प्रपोज किया गया है बजट के अंदर बहुत सारी नई स्कीम्स के प्रपोजल आते हैं वो स्कीम्स की डिटेल्स जो है वो इन कमिंग ईयर सरकार वो स्कीमों को टाइम टू टाइम लॉन्च करती है ठीक है तो लेकिन जो भी बजट के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो भी हम किस पर्टिकुलर कम्युनिटी ट्रेडिशनल के लिए वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए फार्मर्स के लिए ऑटो ड्राइवर्स के लिए इंपॉर्टेंट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्ड इन तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा द राइट आंसर इन दिस केस इज ऑप्शन ए ट्रेडिशनल ठीक है तो बना रहे है, जो बेसिकली हाथ से बनाने वाले कारीगर या अलग तरह के आर्टिस्ट आपको अलग अलग कंट्री के अंदर मिलते हैं कैसे उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए उनके स्केल ऑफ प्रोडक्शन को इम्प्रूव किया जाए उनके जो प्रोडक्ट्स की रीच है उसको इम्प्रूव किया जाए और उसको पूरे की जो कंट्री का एक एमएसएमई वैल्यू चेन है उसके साथ कंबाइन किया जाए स्कीम के अंदर फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ साथ उनको स्किल ट्रेनिंग नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नॉलेज ब्रांड प्रमोशन इट एक्स्ट्रा में हेल्प किया जाएगा और क्योंकि ये जो ट्रेडिशनल आर्टिजन हैं इसका एक मेजर सेक्शन एस सी एस टी ओबीसी वुमेन वीकर सेक्शन से बिलोंग करने वाले लोग हैं तो उसको काफी ज्यादा ये हेल्प करेगा डिटेल्स डेफिनेटली जब ये स्कीम लॉन्च होगा तब आएंगी हमारे पास

एंड ई इज नाइप की फैंसी टर्म ना एक आदि आपको इकोनॉमिक सर्वे या बजट जो है वो हर साल कोई ना कोई फैंसी टर्म जो है वो अडोप्ट करता है तो ये जो सेवन प्रायोरिटीज है जिसके ऊपर पूरे का पूरा बजट आपका बना है इसको बोला गया है सप्तऋषि और ये सप्त ऋषि यानी कि सेवन जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो क्या है इंक्लूसिव डेवलपमेंट रीचिंग द लास्ट माइल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट अनलिशिंग द पोटेंशियल ग्रीन ग्रोथ यूथ पावर और फाइनेंशियल सेक्टर तो ये आपका जो बजट है ये पूरे का पूरा इन सात पिलर्स के ऊपर फोकस्ड है ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब अगले पांच क्वेश्चन सेक्टर के साथ प्रपोज बाय द बजट ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर टू एनकरेज एग्री स्टार्टअप बाय एरियाज तो बेसिकली बजट ने बोला कि हम एक फंड बनाएंगे और ये फंड का काम का क्या होगा कि ये जो uh, यंग एंटरप्रेन्योर्स है ना जो एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टार्टअप्स को शुरू कर रहे हैं उसको एनकरेज करने के लिए सो व्हाट विल बी दिस फंड बी कॉल्ड ऑप्शन है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फंड बी एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड सी एग्रीकल्चर स्टार्टअप फंड डी एग्रीकल्चर फार्मर डेवलपमेंट फंड और ई नन ऑफ दी अब तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा राइट आंसर हेयर विल बी ऑप्शन बी एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर बेसिकली इस फंड को क्या बोला गया एंटरप्र को हेल्प करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में सो एग्रीकल्चर फंड टू एनकरेज एग्री स्टार्टअप एंड इनोवेटिव एंड एफोर्डेबल सोल्यूशन बेसिकली हेल्प करेगा डेवलप करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ तो बजट दो हजार तेईस चौबीस कहता है कि हमें किस कैश क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है ठीक है बजट ने स्पेसिफिकली इस कैश क्रॉप को टारगेट किया है ऑप्शन ए कॉटन बी टी सी शुगर केन डी जूट ई नन ऑफ दी अब अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है बजट के थ्रू आप हुए हो तो आंसर कर सकते हो नहीं तो कोई चांस नहीं है आंसर यहां पर है आपका ऑप्शन ए कॉटन तो बजट क्या बोलता है कि जो एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन है ना उसकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना और क्लस्टर बेस्ड अप्रोच को फॉलो करेंगे प्राइवेट सेक्टर को भी इसके अंदर लेकर के आएंगे फार्मर स्टेट इंडस्ट्री सबको कोलेबोरेट एक साथ लेकर के चलेंगे ताकि इसके अंदर इंप्रूवमेंट की जा सके क्वेश्चन क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ जो है रिलेटेड आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम तो बजट ने कहा कि हम ये एक नया प्रोग्राम लेकर के आएंगे आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम और इस प्रोग्राम के लिए कितना पैसा बजट ने बोला है कि हम इस प्रोग्राम को देंगे बारह करोड़ रूपए बाईस सौ करोड़ या फिर फोर्टी करोड़ द राइट आंसर इज ऑप्शन बी करोड़ का बेसिकली पर प्रपोजल है आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम के लिए ये बेसिकली डिजीज फ्री अच्छी क्वालिटी के प्लांटिंग मटेरियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए उसको एनकरेज करने के लिए ये प्रोग्राम लाया गया है बाईस करोड़ का इसका बजट आउटले है नाइन्थ क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ जी नाइन्थ क्वेश्चन बेसिकली है रिलेटेड टू अ क्रॉप एक पर्टिकुलर क्रॉप को ना रेफर किया गया है एज श्री अन्ना फाइनेंस मिनिस्टर ने इस क्रॉप को अन्ना रेफर किया है अपनी स्पीच में ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर तो ये श्री अन्ना क्रॉप बेसिकली किसका रेफरेंस है कॉटन मिलेट्स कॉफी राइस सो आप सब जानते हो 2023 इज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स एंड दैट इज वाई बजट के अंदर स्पेशल रेफरेंस था मिलेट्स का एंड श्री अन्ना इज द टर्म यूज फॉर मिलेट्स ओनली

And if you haven't subscribed, please subscribe the channel. Take care.